बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जैसा चाहता था वैसा ही आपने सुना। अल्लाह आपको बहुत हौसले हो, बहुत तरक्की हो, बहुत ऊंचाई। ये समय लौट के नहीं आएगा। जोरदार हाथ खड़े करके ताली बजाइए। ये वक्त लौट के नहीं आने वाला। बहुत शुक्रिया। पंकज भी मेरे छोटे भाई हैं और मैं बहुत अजीज रखता हूँ। बड़े अच्छे साथी और पत्रकार भी हैं ये। लेकिन इन नौजवानों को मैंने ये कहा है कि आसमान छूने का हौसला रखें और तरक्कियाँ करें, दुनिया को अपनी मुट्ठी में रख लें। और आप बार बार उनसे तालियां बजवाने को कहते हैं। ये लोग ताली बजाने वाले थोड़ी हैं। अब एक गज़ल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं शायद ज़रूरी गज़ल है ये, हालांकि गज़ल नहीं है, न जाने क्या है, लेकिन ये है ज़रूर कुछ ना कुछ। ये कोई 25-30 साल पहले की कहीं भी गज़ल थी, न जाने कहाँ से आजकल सोशल मीडिया पर कोई प्रोग्राम आता है टिकटॉक, उसमें वायरल हुई। अब हाल ये हो गया है कि मैं देश के किसी भी एयरपोर्ट पर होता हूँ, रेलवे स्टेशन पर होता हूँ, लोगों ने मेरा नाम राहत इंदौरी बदल दिया है और कहता है बुलाती है। अब मैं ये गज़ल आपको ज़रूर सुनाऊँगा, लेकिन इसमें इस गज़ल को सुनने में आपका लालच सिर्फ ये हो सकता है कि मैं वो सुनाऊँगा जो आपने टिकटॉक में या किसी भी जरिए से। क्या बात, मैं ऐसे इजाजत है, तालियां बिल्कुल ना बजाएं। बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये बता दो मैं आपको और थोड़ी सी अच्छी वजाहत हो जाएगी कि ये उर्दू के डेवलपमेंट एज में नहीं जो शब्द है जिसको उच्चारित किया जाता था, प्रोनाउंस किया जाता था, नहीं। तो ये बहुत लोगों ने लिखा है, ये मेरा भी कोई कारनामा नहीं है, लेकिन अच्छा लगने लगा लोगों को, तो मैं भी अच्छा लगने लगा था, सुनाने लगा। बुलाती है मगर जाने का नहीं। आपने आप भी बुलाती है मगर यहाँ के जो सीनियर्स हैं इस IET के, वो भी मेरे बच्चों की तरह ही हैं। तो ये जूनियर इनसे डरे नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। अब देखिए मैं वो शेर सुनाऊंगा जो आप सोशल मीडिया पर या किसी भी उसमें के जरिए आप तक पहुंचे नहीं है, तो आपकी दिलचस्पी बरकरार रहना चाहिए। मैंने मतलब पढ़ा है कि ये बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरी इस दुआ के साथ कि आप तरक्की करें और आसमान तक आपके हाथ पहुंच जाएं, इस दुआ के साथ मैं ये शेर आपको दे रहा हूं। ये दुनिया है, इधर जाने का, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। सुनो दोस्तों, के जमीन रखनी पड़े सर पर तो रखो, मेहनत 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 सिर्फ मेहनत, टारगेट टारगेट एंड टारगेट। कहता हूं कि जमीन रखनी पड़े सर पर तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। तो रखो, जमीन रखनी पड़े सर पर तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का। देखो ये भी ताकत रखना। दूसरा भी आपके काम का शेर है कि सितारे सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे सितारे नोच कर ले, जो आप बना ले टारगेट उसको पूरा ही करना ही तय है। कह रहा हूं कि सितारे
नोच कर ले जाऊंगा। मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं, सितारे नोच कर ले जाऊंगा। मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। और ये शेर बहुत मशहूर इस बदल में हुआ और ना जाने क्यों हुआ, ये वही मेरा बेटा जो उधर यहाँ बैठा हुआ है उसके लिए शेर पढ़ता हूँ कि मेरे बेटे, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का ना। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का ना, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मैं अपन मेरे दोनों साथियों को शरीफ करके मशहूर करना चाहता हूँ। इसका ताल्लुक शायद शायरी से है, मेरे हालात से है, जैसे कि मुझे सुनाना चाहिए इस शोर को। उन्हीं का खास करना, अगर मैं सही कह रहा हूँ, मैं सच सच कह रहा हूँ, मैं आप सबकी ताइद जरूर चाहता हूँ इस शेर में कि मेरी आवाज़ में आवाज़ आप मिला दें तो शायद मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ सुनकर वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक मैं इसे पहुँचाना चाहता हूँ। सुनिए आपके, मगर हद से गुजर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। एक राहत इंदौरी की आवाज़ है जिस आवाज़ को मैं कहीं पहुँचाना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ों की भीख मांगकर, खैरात मांगकर, ताकत मांगकर, हौसला मांगकर सुनिए के है दुनिया छोड़ना मंजूर है। दुनिया अगर मुझे मालूम कि प्रेस वाले और अखबार वाले तो आजकल आवाज़ों में दिलचस्पी लेते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई ईमानदार हो तो मेरा ये शेर दुनिया तक जरूर पहुंचा दे। मैं कह रहा हूं कि है दुनिया छोड़ना मंजूर, है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का ना। बहुत शुक्रिया आपका, मेरी आवाज का आपने ताकत दी। है दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन वतन को छोड़कर जाने का, है दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन वतन को छोड़कर जाने का नहीं। वो देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बस इशारा कर रहा हूं कि वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, नाप ले मगर जालिम से डर जाने का ना। नाप ले भैया। हो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पीछे से रस्सी डाल दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ आकर मैं बहुत ही खुशी हुई कि मेरे से वापस लौट जाने का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज अभी कई बड़े साथ में आ